स्टफ्ड ब्रेड का पकोड़ा स्नैक्स का राजा होता है। इसे आप बरसात में या सर्दियों में शाम के समय चाय के साथ खाएंगे तो मज़ा ही दुगना हो जाएगा। इसे आप बच्चों को पिकनिक में भी दे सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आइए तो शुरू करते हैं स्टफ्ड ब्रेड का पकौड़ा बनाना। सबसे पहले एक कटोरे में दो मीडियम साइज़ के आलू उबले और कद्दूकस किए हुए, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच चाट मसाला डालें, अच्छे से मिला लें और ब्रेड के पकौड़ी की स्टफिंग तैयार कर लें। अब दूसरे कटोरे में एक कटोरी बेसन, दो बड़े चम्मच चावल का आटा, नमक स्वाद अनुसार, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन डालें और आवश्यकता अनुसार पानी डालें और पकौड़े के लिए एक गाढ़ा घोल तैयार करें। अब दो ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक ब्रेड के स्लाइस पर ऐसे चारों तरफ चटनी लगा दें और दूसरे स्लाइस पर ऐसे टमाटो केचप लगा दें। अब चटनी वाले स्लाइस के ऊपर तैयार की हुई फिलिंग चारों तरफ ऐसे लगा दें। अब इस फिलिंग के ऊपर टमाटो केचप वाला स्लाइस ऐसे रख दें और बंद कर दें। नेक्स्ट इसे छुरी की मदद से ऐसे त्रिकोणा काट दें, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। नेक्स्ट इसे तैयार किए हुए गोल में डुबोएं और सीधा गरम तेल में ऐसे डाल दें। इसे तेल में मीडियम गैस पर तब तक फ्राई करना है जब तक एक तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब साइड चेंज कर लें और दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे निकाल दें और ऐसे ही सारे पकौड़े फ्राई करें। गर्मा गर्म चटपटे स्वादिष्ट ब्रेड के स्टफ्ड पकौड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं।